जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान यानी कि NIMR नई दिल्ली से जो आप सभी के लिए भर्ती आई हुई है। फ्रेंड्स, आप सभी को इसका ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा, देखिए फ्रेंड्स, जो आपका यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म PDF रहने वाला है, ये आपका 8 पेज का PDF रहने वाला है। फ्रेंड्स, आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई फॉर्म को कैसे फिलअप करना होगा, बट फ्रेंड्स उससे पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा। पर्सनली मैं आप सभी को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप सभी इस फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि इस फॉर्म में सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स आपकी वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, दूसरी बात इस प्रकार की भर्तियों में कोई भी कंपटीशन नहीं रहता है और आपकी न्यू दिल्ली से भर्ती है तो आप सभी आवेदन कर सकते हैं। न्यू दिल्ली में ही आपका एग्जाम होगा, सभी जगह से अच्छा रूट होता है, तो आप इस भर्ती में आवेदन ज़रूर करें। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो ऑफलाइन फॉर्म PDF आपको फिलअप करने से पहले मैं आपको एक मिनट में इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से भर्ती आई हुई है, और यदि बात करेंगे अप्लाई स्टार्टिंग डेट को लेकर तो फ्रेंड्स आप सभी के एप्लीकेशन फॉर्म 28 जून 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं, और आप सभी फ्रेंड्स यहां पर जो आवेदन कर पाएंगे, आप सभी यहां पर आवेदन 21 जुलाई 2023 तक आवेदन कर पाएंगे। आप यहाँ पर देख पाएंगे आपकी 79 आपके यहाँ पर पोस्ट रहने वाली हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जनरल OBC EWS की ₹300 एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है, SC ST फीमेल कैंडिडेट और अदर कैटेगरी कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जनरल OBC EWS कैटेगरी वालों को कैसे फ़ी का पेमेंट करना होगा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि बात करेंगे आपकी एज की लिमिट को लेकर तो जनरल कैंडिडेट 18 से 30 साल तक आवेदन कर पाएंगे, OBC कैंडिडेट 18 से 33 साल तक और SC ST कैंडिडेट यहाँ पर 18 से 35 साल तक आवेदन कर पाएंगे। फ्रेंड्स, याद रखना आप 35 साल तक आवेदन कर सकते हैं, और जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है यहाँ पर 12वीं पास रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए और इस भर्ती डिटेल क्वालिफिकेशन के लिए आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं www.rozgarkikhoj.com, या आप सिंपली गूगल पर जाएंगे और सर्च करेंगे रोजगार की खोज। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जानेंगे आपको इसका ऑफलाइन फॉर्म PDF कैसे फिलअप करना होगा। ये आपका 8 पेज का PDF रहने वाला है। इस ऑफलाइन फॉर्म PDF को हमारी आप वेबसाइट रोजगार की खोज से डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं से आप इसकी डिटेल में क्वालिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि आपको इसका ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि आप क्या आपके पास इस फॉर्म की एडवांस कॉपी है तो आप यस करेंगे, वरना आपको नो लिख देना होगा। एडवांस कॉपी का मतलब है कि फ्रेंड्स जैसे आपने इस फॉर्म को फिलअप किया है, ठीक है, इसके अलावा आपके पास और भी कोई आपने इसके डबल प्रिंट आउट निकलवाए हैं, आपसे ये पूछा हुआ है, यदि है तो आप यस करेंगे वरना आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आप सभी को अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप सभी को चिपका देना होगा, और उस पर आपको सिग्नेचर कर देने, आधे सिग्नेचर आपके फोटोग्राफ के ऊपर रहने चाहिए और आधे सिग्नेचर आपके फोटोग्राफ के बाहर रहने चाहिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पोस्ट कोड पूछा हुआ है, उसके बाद आपको उस पोस्ट का नाम यहाँ पर लिखना होगा, आप यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। देखिए फ्रेंड, जो आपके यहाँ पर पोस्ट कोड की जानकारी है वो आप सभी को मैंने रोजगार की खोज वेबसाइट पर आपको वहाँ पर मिल जाएगी। जैसे आप वहाँ पर वैकेंसी डिटेल में चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर पोस्ट का नाम, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, और वहाँ पर आपको आपकी पोस्ट वाइज आप सभी को पोस्ट कोड भी वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उस पोस्ट कोड को यहाँ पर डाल देंगे, वो एंड में जाकर जैसे आप वीडियो कंप्लीट वाच कर लेते हैं, उसके बाद कंप्लीट फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप रोजगार की खोज वेबसाइट से अपनी पोस्ट का यहाँ पर कोड देख लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद फ्रेंड देखिए, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जानकारी देनी होगी। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आपका एक कॉलम है जो आपका यहाँ पर फ़ी का पेमेंट रहने वाला है, ये SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वुमेन कैंडिडेट के लिए नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये आपको फिलअप करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक मिनट में लेना चाहूँगा SC ST और फीमेल कैंडिडेट से। देखिए आपको फ़ी का पेमेंट कैसे करना होगा, देखिए आप सभी को अपने बैंक में जाना है, किसी भी आप बैंक में जा सकते हो, कोई भी जो आपके नज़दीकी ब्रांच है वहाँ पर जाना होगा, और वहाँ पर आपको कहना है कि हमको ₹300 फ़ी का पेमेंट कराना है। कितना? ₹300 फ़ी का पेमेंट कराना है राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली के लिए। बस आपको इतना ही कहना है, आपको क्या कहना है कि हमको डायरेक्टर NIMR न्यू दिल्ली के लिए एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट कराना है। और उनकी तब भी समझ में नहीं आए, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, जो हमारी रोजगार की खोज वेबसाइट पर पोस्ट पड़ी हुई है ना, उस पोस्ट को बस आप उनको दिखा देना या आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को दिखा देना,
वो ऑटोमेटिक अपनी फी का पेमेंट आपकी कर देंगे, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस आपको बैंक में जाना है। और देखिए इसके बाद जैसे आप वहाँ पर फी का पेमेंट करा लेते हो तो उसके बाद आपको वहाँ से एक रसीद मिलेगी, उस रसीद पर आपका DD नंबर होगा यानी IPO नंबर होगा, उसको आप सभी यहाँ पर मेंशन करेंगे किस डेट को आपने वहाँ पर फी का पेमेंट कराया, उस डेट को यहाँ पर डालेंगे, 300 रुपये का आपने कराया होगा तो 300 रुपये लिखेंगे, और आपने किस बैंक के थ्रू कराया उस बैंक का नाम आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपने जानकारी भर दी है कंप्लीट, अब जो आपके यहाँ पर फॉर्म फिलअप की प्रोसेस है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले आपको जानकारी दी हुई है कि जो आपको फॉर्म फिलअप करना है वो आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करना होगा, यदि आप स्मॉल लेटर का उपयोग करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अब आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें वरना आप कोई ना कोई गलती कर देंगे और आपका फिर से आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आधे लड़के क्या करते हैं, वीडियो को आधी देखते हैं उनका एडमिट कार्ड फिर नहीं आता, फिर वो बाद में कहते हैं कि भाई ऑफलाइन फॉर्म का एडमिट कार्ड तो आता ही नहीं है। तो भाई आप उन स्टूडेंट से पूछा करो यार जिनका एडमिट कार्ड आ जाता है, वो कहते हैं कि भाई ऑफलाइन फॉर्म में भी इतना कंपटीशन रहता है, बट आप वीडियो को कंप्लीट देखें आपका 100% एडमिट कार्ड आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर नाम लिखना है, इसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम लिखना है, आपको अपना जेंडर यहाँ पर लिख देना होगा मेल या फीमेल, इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, दिन में मंथ में और ईयर में आप सभी को अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देनी होगी। इस प्रकार फ्रेंड्स आपको बस जो आपका फर्स्ट पेज है वो आपका कंप्लीट फिलअप हो जाएगा। अभी आ जाते हैं हम अपने सेकंड वाले पेज पर, बट फ्रेंड्स उससे पहले यार एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखिए इस वीडियो को बनाने में मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, आपसे पर्सनली बात कर रहा हूँ, 80 रुपये का खर्चा है, क्योंकि फ्रेंड्स इसके 8 प्रिंटआउट निकलवाएं तो 80 रुपये का खर्चा है। उसके लिए आप सभी सारे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल का जो सब्सक्राइब बटन है वो आपको रेड दिख रहा है तो प्लीज़ उसको दबा दें जिससे वो रेड ना रहे, क्योंकि फ्रेंड्स इसी प्रकार की जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर अपनी एज को कैलकुलेट करना होगा 21/7/2023 से यानी 21 जुलाई 2023 से, कि आपकी जो एज है वो कितने ईयर कितने मंथ और कितने दिन की हो रही है, और कैलकुलेट करने के बाद आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप किस कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करें, यदि आप UR कैटेगरी से कर रहे हैं तो आपको ओनली यहाँ पर UR लिख देना होगा। देखिए फ्रेंड्स यदि आप फॉर्म को अप्लाई करें SC ST OBC कैटेगरी से तो आप सभी को क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको यदि आप मान के चलिए आप अप्लाई करें, मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताता हूँ, मान के चलिए आप SC कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर SC लिख दिया। इसके बाद फ्रेंड्स यदि आप SC कैटेगरी से आवेदन करें, जनरल वालों को बस UR यहाँ पर लिखना है और कुछ नहीं लिखना होगा। SC ST OBC वालों को क्या करना है, जो उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है, जो आपके पास सेंटर का जाति है, सेंटर की जो आपके पास जाति है ना, उसका जो नंबर है जो आपको देखने को मिल जाएगा आपके जाति प्रमाण पत्र पर, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इश्यू डेट यहाँ पर लिखेंगे, इश्यू डेट भी आपको अपनी जाति पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड जो आपका यहाँ पर जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर किसके द्वारा, किस ऑथॉरिटी के द्वारा इश्यू किया गया है, देखिए जैसे जो आपके जाति प्रमाण पत्र निवास और आय जो इश्यू किए जाते हैं पटवारी कानीगो SDM DM इन अधिकारियों के द्वारा वहाँ पर आपका इश्यू किया जाता है, तो ये आपकी जानकारी मिल जाएगी आपको अपनी जाति पर कि आपका किस ऑथॉरिटी के द्वारा नहीं किस ऑफिसर के द्वारा उसको आपका बनाया गया है, किसको ऑथॉरिटी के द्वारा इश्यू किया गया है, उस ऑथॉरिटी का आप सभी नाम और डेजिग्नेशन वो किस पोस्ट पर है उनके बारे में जानकारी दे देंगे। ये सभी जानकारी आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट या आपको अपने जाति प्रमाण पत्र मिलने वाली हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यदि आप PWD कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे, वरना आपको नो कर देना होगा, यस करेंगे तो आपको अपनी यहाँ पर जानकारी देनी होगी डिसेबिलिटी के बारे में। इसके बाद फ्रेंड्स यदि आप ESM कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यस लिखेंगे और यहाँ पर जानकारी देंगे, वरना आप सभी को नो लिख देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यदि आप EWS कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं तो आपको यस लिखना है, वरना आपको नो लिख देना होगा। यदि आप EWS कैटेगरी से आवेदन करें, यस लिखने के बाद आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी, वरना आपको नो लिख देना होगा। इस प्रकार फ्रेंड जो आपका सेकंड पेज है यार वो भी आपका कंप्लीट यहाँ पर फिलअप हो चुका है। चलिए अब जान लेते हैं कि आपको थर्ड पेज को कैसे फिलअप करना होगा। थर्ड पेज में फ्रेंड सबसे पहले आपको अपना पोस्टल एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है, आपको अपने गाँव या सिटी का नाम, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड यहाँ पर लिखेंगे। यदि आपके परमानेंट और प्रेजेंट दोनों एड्रेस सेम है तो आप सेम एड्रेस यहाँ पर लिख देंगे, वरना आप अलग अलग भी लिख देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप सभी को अपने यहाँ पर एक एक्टिव ईमेल आईडी आप सभी को लिखनी होगी। इसके बाद आप सभी को अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। इसके बाद नेशनलिटी में आपको इंडियन लिख देना है, और आपको मैरिटल स्टेटस के बारे में जानकारी देनी होगी, मैरिड या अनमैरिड आप अपनी जानकारी दे देंगे, शादी हो चुकी है तो मैरिड वरना अनमैरिड लिख देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जानकारी देनी होगी आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में,
देखिए फ्रेंड्स, यदि आपका टेंथ, सबसे पहले आप टेंथ के बारे में जानकारी देंगे, आपका टेंथ का रोल नंबर क्या है वो आपको याद होगा, वरना आप अपनी मार्कशीट पर देख लेंगे। इसके बाद आपने टेंथ क्लास को किस ईयर में पास किया था, किस बोर्ड से पास किया, आपकी परसेंटेज कितनी, आपके पास सब्जेक्ट कौन सी थी। तो टेंथ में तो यार सभी सब्जेक्ट आप रीड आउट करते हो, तो आप यहाँ पर ऑल लिख देंगे। इसके बाद आपको ट्वेल्थ के बारे में, इंटरमीडिएट के बारे में जानकारी देंगे, आपका रोल नंबर क्या था, ईयर ऑफ पासिंग क्या थी, बोर्ड कौन सा है, आपने कितने मार्क ऑब्टेन किए और आपने किस सब्जेक्ट के साथ आपने ट्वेल्थ क्लास को पास आउट किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर डिप्लोमा और बैचलर डिग्री है तो आप यहाँ पर जानकारी देंगे, वरना आप सभी इसको रिक्त छोड़ देंगे। सेम आपको जानकारी देनी है ऊपर की तरह, वरना आप रिक्त छोड़ देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, यदि आपके पास मास्टर डिग्री कंप्यूटर का कोर्स है या आपके पास अदर कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे आपके पास ITI है, तो आप उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दे देंगे, वरना फ्रेंड्स आप सभी को क्या करना है, इनको भी आपको रिक्त छोड़ देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको 10 नंबर में कॉलम में पूछा हुआ है कि आपके पास कंप्यूटर की स्किल है, तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे। यस लिखते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी जानकारी देनी होगी, कंप्यूटर एप्लीकेशन जो आपका कंप्यूटर स्किल के बारे में आपको जानकारी दे देनी है, वरना आपको यहाँ पर नो लिख देना होगा और आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद 11 नंबर ऑप्शन में, यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप यहां पर उसके बारे में जानकारी देंगे, वरना 11 नंबर ऑप्शन को रिक्त छोड़ देंगे। इसके बाद आ जाते हैं फ्रेंड्स आपके 12 नंबर कॉलम ऑप्शन पर, जिसमें फ्रेंड्स 12 नंबर ऑप्शन में देखिए आपसे यहां पर पूछा हुआ है, यदि आप ICMR यानी आपने ICMR में कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट किया है, आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कभी भी आपने कार्य किया है, तो उसके बारे में जानकारी देंगे, वरना आप रिक्त छोड़ देंगे। इसी प्रकार फ्रेंड्स आपका 13 नंबर कॉलम में, यदि आपने केस ऑफ कैंडिडेट हु आर कंसिडर वर्किंग ICR फंडेड प्रोजेक्ट, देखिए यदि आपने ICMR में कभी भी आपने कंटिन्यूली आपने काम किया है, तो उसके बारे में जानकारी देंगे, और वरना आपको इसको भी रिक्त छोड़ देना होगा। इन पेजों में आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको आ जाना 14 नंबर पेज पर, जिसमें फ्रेंड्स आपको रेफरेंस देनी होगी। देखिए फ्रेंड्स, रेफरेंस के बारे में आप सभी को एक मिनट बताना चाहूँगा, क्योंकि ये सभी के लिए कंपलसरी है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको किसी अपने, देखिए आपको अपना नाम यहाँ पर नहीं लिखना होगा, आपको जैसे आपका भाई है, कोई बड़ा भाई है, छोटा भाई है, आपके कोई गाँव है, शहर का लड़का है, जो आपको जानता हो पर्सनली, आपको बहुत अच्छे से जानता हो, उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसका आपका यहाँ पर डेजिग्नेशन, मतलब वो कहाँ पर रहता है, उसका आप उसके बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद उनकी एक ईमेल आईडी और उनका एक मोबाइल नंबर लिखेंगे। आपको अपनी जानकारी नहीं लिखनी है, आपको यहाँ पर दो ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानकारी लिखनी होगी जो भारत के निवासी हों और वो आपको जानते हों, उनके बारे में आप सभी यहाँ पर जानकारी लिखेंगे। उनका नाम, डेजिग्नेशन, कहाँ के निवासी हैं और उनकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, आपको दो व्यक्तियों का नाम लिखना है। मैंने एक का तो लिख दिया है, इसी प्रकार दूसरे का आपको लिखना है, वो आप अपने आप अकॉर्डिंग लिख देंगे, मुझे समझाना था बस आपको। इसके बाद 15 नंबर ऑप्शन में आपसे पूछा हुआ है कि आपने कभी ICMR में कोई प्रोजेक्ट किया है, तो आप प्रोजेक्ट या कर रहे हो या आपने पहले किया है, तो आप यस लिखेंगे वरना आप नो लिखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आ जाते हो। देखिए फ्रेंड्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आप फिल करना चाहो तो फिल कर सकते हो, वरना कोई कंपलसरी नहीं है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप दे सकते हो, यदि आपके पास स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है तो आप उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दे सकते हो, या फ्रेंड्स आपके पास कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशन है, आपके पास कोई अवार्ड आपको मिला हुआ, कोई भी आपको, जैसे आपने फॉर्म में कोई भी ऐसी जानकारी फिलअप नहीं की है और वो आपके पास है, जैसे आपके पास स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है, आपको कोई अवार्ड मिला है, उसके बारे में आप सभी यहाँ पर जानकारी दे देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, यदि आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है तो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन को इसी प्रकार रखते छोड़ देंगे। इसके बाद आ जाते हैं आपके एंड वाले पेज पर, जिस पर आपको डेट डालनी है, आपको अपने प्लेस का नाम और आपको अपने सिग्नेचर कर देने होंगे। अब आ जाते हैं आपके एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में, यहाँ पर आप अपना एक फ़ोटो चिपकाएंगे और आपको अपना यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को अपना नाम लिखना होगा। इसके बाद आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, पोस्ट को जो आपने यहाँ पर पहले वाले पेज पर आपने मेंशन किया था ना, वही आपको सेम यहाँ पर मेंशन करना है। आपका जेंडर क्या है, कैटेगरी क्या है, आपको अपना पूरा एड्रेस और आपको अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर देने होंगे। फ्रेंड देखिए, आपका 8 पेज का फॉर्म था, बहुत जल्दी फिल हो चुका है, आपको लग नहीं रहा होगा कि इतना जल्दी फिल हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपको डॉक्यूमेंट को लेकर, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की यहाँ पर फोटोकॉपी करवानी है। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी करवा लेनी होगी। यदि आप देखिए 12th से आवेदन करें तो 10वीं की और 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी करवाएंगे। आप जिस भी क्वालिफिकेशन से जिस पोस्ट के लिए आवेदन करें, उस पोस्ट में आपकी क्या क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, उस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की आप सभी फोटोकॉपी करवा लेंगे। इसके बाद आप सभी को अपने निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी करवा लेनी है, जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी करवा लेनी है। यदि आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको नहीं करवानी होगी। आपको अपने सेंटर की जाति की फोटोकॉपी करवानी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी करवानी, एक आपको
कलेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है, जो आप अपने गांव के सरपंच यानी आप अपने गांव के प्रधान से बनवा सकते हो, या आप अपने प्रिंसिपल जो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनसे बनवा सकते हो। आपके पास कोई भी फ्रेंड्स, आपके पास कोई भी ऐसा जो आपका ग्रुप बी या ग्रुप सी का कोई भी आपके पास सरकारी जो सरकारी जॉब कर रहे हैं, आपके पास ग्रुप बी या ग्रुप सी का कोई भी ऐसा बंदा रहता है तो आप उससे करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। आपको करेक्टर सर्टिफिकेट एक बनवा लेना होगा, इसके बाद सभी डॉक्यूमेंट पर अपने सिग्नेचर कर देंगे। जितने भी आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपने फोटोकॉपी करवाई है ना, सभी पर अपने सिग्नेचर कर देंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको आवश्यकता रहने वाली एक लिफाफे की है, आपका लिफाफा आपके पास रहना चाहिए। इस पर आपको सबसे ऊपर लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इसके बाद किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, टेक्नीशियन, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया उस पोस्ट का नाम यहाँ पर लिखेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, आपकी कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी से आवेदन किया उस कैटेगरी का नाम यहाँ पर लिखेंगे। साइड में फॉर्म लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, आपको अपना नाम सुनाओ करके पिताजी का नाम, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, आप अपना प्रॉपर एड्रेस डाल देंगे अपना नाम और फादर नेम लिखने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट फिलअप हो चुका होगा। अभी आप सभी को क्या करना है फ्रेंड, देखिए जो आपका फॉर्म है ना उसको आप सभी, मैं आपको देखिए बताना चाहूँगा, एक मिनट थोड़ा सा वेट करना फ्रेंड। देखिए जो आपका ये फॉर्म है ना, इसको सभी डॉक्यूमेंट हैं, इसके नीचे मान के चलिए आपके सभी डॉक्यूमेंट हैं, इनको इस प्रकार स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद जो आपका लिफाफा है ना इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। और यदि आपने फी का पेमेंट कराया, आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप अपनी फीस की रसीद को भी इसी के अंदर डाल देंगे और इसको चिपका देंगे। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, जो टू लिखा हुआ है ना, कॉमा लगा है, यहाँ पर आपको सेंडिंग एड्रेस लिखना होगा। देखिए सेंडिंग एड्रेस की जानकारी आप सभी को क्या करना है, आप सभी को सिंपली गूगल पर जाना और रोजगार की खोज लिखकर सर्च करना है। वहाँ पर आपको एक ऑफलाइन फॉर्म की कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगी, अलग से कैटेगरी बनी हुई है यार, वहाँ पर आप जाएंगे और वहाँ पर आपको सेंड ICMR की भर्ती देखने को मिलेगी, उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर आपको सेंडिंग एड्रेस देखने को मिल जाएगा और सेंडिंग एड्रेस को आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। जैसे आप सभी फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देते हो तो उसके बाद आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। आपको अपने पोस्ट ऑफिस में जाना होगा एड्रेस को लिखने के बाद, और आपको वहाँ पर कहना होगा कि ये हमारा फॉर्म है, इसको रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दो, स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दो। आप कैसे भी वहाँ पर जाकर कह सकते हो, स्पीड पोस्ट से ये होता है कि आपका फॉर्म एक दिन पहले जल्दी पहुँच जाता है और रजिस्टर्ड पोस्ट से एक दिन आपका एक्स्ट्रा लगता है। रजिस्टर्ड पोस्ट से आपका 30 से 35 रुपए के बीच चार्ज लगेगा और स्पीड पोस्ट से आपका 50 रुपए का चार्ज लगेगा। तो आप जैसे सेंड करना चाहो वैसे सेंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको, आप सभी को राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली का ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अभी आपको वीडियो कैसी लगी ये आपको कमेंट करके तो बताना ही है, साथ ही फ्रेंड्स हम अपनी वीडियो में क्या इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे आपको अच्छी हम क्वालिटी दे पाएँ, जो आपकी समझ में नहीं आ पाया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा पाएँ, ये भी आपको हमको एक आप सभी को अपनी तरफ से एक सुझाव ज़रूर देना है कि हम अपनी वीडियो में आप सभी के लिए क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी जाइए कमेंट करके बता दीजिए, और फ्रेंड्स इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए यार। देखिए 80 रुपये लगाए हैं तो यार एक सब्सक्राइब तो बनता है, आपका तो फ्री का काम है, लाइक नहीं किया लाइक कर देना। तो जय हिंद, जय भारत।